फ्रेंड्स, मैं पहनने वाली हूँ आज करवा चौथ के लिए स्पेशल साड़ी ड्रेपिंग प्लस स्टाइलिंग वीडियो। तो पूरा किस तरीके से मैं रेडी होने वाली हूँ इस वीडियो में शेयर करूँगी, साथ ही शायद आप लोगों को कुछ इंस्पिरेशन आइडिया मिल सके मेरी वीडियो के थ्रू। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं सेवियर पहन ली हूँ। इस साड़ी को मैं सेवियर के साथ ही पहनूंगी क्योंकि इसके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे लगता है। पहले हम साड़ी का फर्स्ट टकिंग कंप्लीट करेंगे, जो कि मैं हमेशा ही अपनी वीडियोस में आप लोगों को बताती हूँ। सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टकिंग एंड वन राउंड ऐसे कम्प्लीट करेंगे और फिर यहाँ पर टक करेंगे। अब बारी आती है पल्लू मेजर करने की। पल्लू आप अपने तरीके से स्टाइल कर सकते हो और ओपन पल्लू भी रख सकते हो, पल्लू फोल्ड करके भी रख सकते हो। मैं चुन्नी लेके भी बताऊंगी और पल्लू फोल्ड करके भी बताऊंगी। तो बस यहाँ पे मैं अपना पल्लू मेज़र कर रही हूँ। पल्लू शॉर्ट होता है ना तो साड़ी का लुक बहुत ही ज़्यादा बेकार सा आता है। तो आप कोशिश करिए कि पल्लू जो है वो आपका लॉन्ग है, शॉर्ट नहीं है, क्योंकि लेंथ ही रहेगा, फर्श साफ करेगा तो चलेगा, बट ऐसे छोटा सा हो जाता है ना एकदम से यहाँ पे, तो वो लुक आप कितना भी अच्छे से प्रॉपर साड़ी पहनो बिल्कुल नहीं आने वाला है। इसलिए पल्लू आपको लॉन्ग रखना है बिल्कुल इस तरीके से, और ये मेरा फेवरेट स्टाइल है पल्लू का। तो अब बारी आती है यहाँ से साड़ी को ऐसे लाएंगे, जो कि सभी को आता है पहनने, बट किसी किसी को अभी भी मैं देखती हूँ बोलते हैं दीदी मुझे साड़ी नहीं पहनना आता है, आपकी वीडियो से मैंने बहुत चीज़ें सीखी है स्पेशली साड़ी पहनना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है यार। तो थैंक यू सो मच यार, आप लोग मेरे से कुछ तो सीख रहे हो अच्छी चीज़ें, तो इसके लिए मुझे थोड़ी खुशी होती है। तो बस अपना प्यार सपोर्ट और बनाए रखिए, वीडियो को शेयर करिए यार आप लोग इधर बिल्कुल भी नहीं शेयर। फिटिंग साइड फिटिंग बनाने की, तो इसके लिए हम यहाँ पे, जो कि मैं हमेशा अपनी बेसिक साड़ियों में बोलती ही हूँ और ये फेस्टिव सीजन है स्पेशली करवा चौथ के लिए है, तो भला मैं कैसे यहाँ पर चाहूँ ना, तो सेफ्टी पिन की जगह इस तरीके से ट्विस्ट करो और या फिर रबड़ बैंड लगा लो। अभी फिलहाल मुझे कुछ दिख नहीं रहा, तो मैं क्या करूँगी ऐसे ही टक कर लेती हूँ यहाँ पे। तो देखो साइड की फिटिंग कितनी अच्छी है भाई, आप एक अच्छी फिटिंग बना लेते हो ना तो साड़ी बहुत अच्छे से ड्रेप होती है। और इस टाइप के जो कपड़े ईजिली ड्रेप हो जाते हैं जैसे सिफॉन हो गया, जॉर्जेट हो गया, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मेरे बॉडी के अकॉर्डिंग भी ये फिट रहता है फैब्रिक और मुझे बड़ा ही पसंद आता है। तो सेफ्टी पिन मुँह में नहीं लेके लगाऊंगी यहाँ पे। चलिए प्लेट बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्लेट बड़ा ही रहेगा, बाकी ये मेरा फेवरेट प्लेट बनाने का तरीका है, जो कि छोटू छोटू सा रहता है बिल्कुल इस तरीके से। आई नो मैं बोल बोल कर बना रही हूँ, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, बट प्रॉपर एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना आप लोग और ढेर सारा प्यार देना, ठीक है। तो ये वाला जो फैब्रिक है ना, यहाँ पे टक करने के बाद यहाँ पे इतना हमें छोड़ देना है से लूज, ताकि ये जो प्लेट है ना वो बराबर है, प्रॉपर है। तो देखो सारे प्लेट्स को सिंपली अरेंज करना है। और इस तरीके से अगर आपको साड़ी पहनने में दिक्कत होती है ना, नीचे का भी प्लेट आपको मिलाना है, ऐसा नहीं कि बस ऊपर का ही, अभी मैं नीचे का भी प्लेट दिखाऊँगी, एकदम प्रॉपर आता है। एक एक प्लेट आप नीचे से भी गिन लोगे और ऊपर से भी गिन लोगे। अब मुझे क्या करना है, सर प्लेट्स को ऊपर से भी ऐसे सेट करके झटक लेना है और सबसे पहले लगाना है सेफ्टी पिन। मैं प्रॉपर लगा ली हूँ, आप देख सकते हो फुल लुक तो नहीं आ पा रहा अभी, बट यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा सा ऐसे। तो यहाँ पे पिन मैं लगा ली हूँ। अब प्लेट को सिंपली जितना हमें रखना है उस हिसाब से फिर यहाँ पे हम टक कर लेंगे नॉर्मल, जितना हमें मतलब लेंथ चाहिए होगा, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड में टक करेंगे। तो देख सकते हो बहुत ईजी में हम साड़ी को ड्रेप कर लेंगे। हमें डिसाइड करेंगे कि हमें ओपन पल्लू रखना है या फिर पल्लू फोल्ड करके, पहले तो हम थोड़ा सा स्टाइल करेंगे, मतलब कि इयररिंग पहनेंगे और बालों का बन वगैरह। मैं सोच रही हूँ ना डेली डेली सेम स्टाइल हो जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ कि बन ना बनाकर बालों को खोल देती हूँ। ऐसे भी मैं बालों को धुली हूँ ना, तो ये बन भी अच्छे से नहीं बन पाएंगे तुरंत,
तो मैं सोच रही हूँ कि सेम स्टाइल हो जाएगा। आज मैं थोड़ा सा खोल के रखूँ या फिर ऐसे ही रखूँ, चोटी बना के भी सही लग रहा है मुझे, तो हेयर स्टाइल ऐसे ही रहने दो। देखती हूँ आप लोग बताना क्या करना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा पहन लेते हैं क्योंकि फेस्टिव के लिए स्पेशली करवा चौथ है यार, तो सजना संवरना तो बनता है, तो थोड़ा सा ज्वेलरी तो पहनना बनता है। सूत्र जो कि आप ज्वेलरी के साथ ऊपर से आप नेकलेस डालो, नेकलेस के ऊपर से ज्वेलरी, ज्वेलरी पिंक पिंक हो जाएगा, इसलिए मैं ज्वेलरी में गोल्डन, क्योंकि साड़ी का बॉर्डर भी है और ज्वेलरी जो है हमारा ना सेम सेम हो जाएगा एकदम पिंक पिंक सा, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं झुमकी गोल्डन, यहाँ पे ये झुमकी साड़ी के साथ अच्छे लगते हैं फेस्टिव में, तो झुमकी वाइब देने के लिए मैं ये वाला पहन रही हूँ झुमका। ऐसे तो गोल्डन में मेरे पास बहुत सारी इयर रिंग है, लेकिन मुझे लगा कि ये थोड़ा सा मतलब एक साड़ी के साथ प्रॉपर जाएगा। यहाँ पे मंगलसूत्र पहनिए, आप ऊपर से नेकलेस भी पहन लो, मैं नेकलेस नहीं पहनूंगी, जस्ट मंगलसूत्र पहन रही हूँ। इसके बाद अब डिसाइड करती हूँ, मैं गोल्डन बैंगल पहनती हूँ, ढेर सारे बैंगल, आप चाहो तो चूड़ियाँ भी पहन सकते हो, बट मुझे ये कड़ा वाला लुक ज़्यादा पसंद आता है, थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट लुक देता है, तो मैं यही पहनूंगी। नहीं चेंज की, मुझे ये अच्छा लग रहा है ऐसे पोनी बना के, क्योंकि पूजा पाठ के हिसाब से कंफर्टेबल भी लग रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट लुक है जो कि मैं अपने पल्लू के साथ, और हमेशा जब भी आप साड़ी पहनो ना एकदम से, बहुत सारे लोग ऐसे करके, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। आप हमेशा अपने नेक लाइन के पास से ही साड़ी का बॉर्डर लाइए ऐसे, तो ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट और एलिगेंट लुक देता है। तो जब भी आप साड़ी का पल्लू कैरी कर रहे हैं ना, इस तरीके से लीजिए नेक लाइन के जस्ट बगल। फर्स्ट लुक में मैंने इस तरीके से ओपन पल्लू सिंपल लुक दिखाया, आगे मैं सर पे दुपट्टा ओढ़ के प्रॉपर जो करवा चौथ का लुक होता है वो भी दिखाऊंगी, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चुन्नी लेना है सर पे, तो सिंपली इस तरीके से हम प्लेट्स बनाएंगे, कोई भी चुन्नी लेके जो कि हमें पूजा में यूज करना है, और सिंपली इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे और एक सेफ्टी पिन से यहाँ पे पिन अप कर देंगे, और फिर इस तरीके से। चलिए इसका भी मैं पिन लगा कर सेट करके फिर दिखाती हूँ आप लोगों को फाइनली। फ्रेंड यहाँ पे आप कोई सा भी चुनरी ले सकते हो पूजा का, या फिर आपके वेडिंग का दुपट्टा है तो वो भी यूज कर सकते हो इस तरीके से सर पे चुनरी रख के पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने प्लेट्स बनाया, फिर पिनअप करके पीछे से सर पे ओढ़ लूँगी इस तरीके से, तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड और स्मार्ट लुक देता है पूजा के टाइम। माइंड नहीं करना क्योंकि चुनरी धुला हुआ नहीं था, मैं ऐसे ही यूज करी। ऐसे सब रख के आप चुन्नी इजिली पूजा कर सकते हो। यहाँ मैं अभी रफली ही ऐसे चुन्नी दिखा दी हूँ, क्योंकि मेरा प्लान था कि आज ये वाला वीडियो शूट करूँ या फिर कल करूँ इस चक्कर में। तो ये है हमारा फाइनल लुक चुन्नी के साथ। सो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके बताना, और वीडियो को घर घर के प्यार देना यार, मेहनत लगती है ऐसे कंटेंट क्रिएट करने में, तो घर घर के प्यार देना, सपोर्ट देना। और हाँ, आपको ये लुक कैसा लगा कमेंट करके बताना, ये सर पे चुन्नी वाला लुक कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना, ये आइडिया कैसा लगा। इस तरीके से ना हम कंफर्टेबल भी रहेंगे ऐसे पल्लू फोल्ड करिए। ये मेरा ईयरबड है ना, ये कान से स्लिप हो रहा है, रीजन है कि किसी बड़े कान के उसमें चला गया, जिसकी वजह से कि मेरे कान में टिकता नहीं है। तो ये देखो इस तरीके से, तो ये मेरा फाइनल लुक है। कैसा लगा कमेंट करके बताना, वीडियो को ढेर सारा प्यार देना यार, बड़ी मेहनत लगती है कंटेंट को क्रिएट करने में, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप बताना।
तो फ्रेंड इस तरीके से आप इजी वे में साड़ी को स्टाइलिश तरीके से ड्रेप कर सकते हो, सर पे चुन्नी भी स्टाइलिश तरीके से ड्रेप करके ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने फाइनल लुक दे दिया है, तो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए मेरा सेकेंड फाइनल लुक। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।